सबके विश्वास को कामयाब हुए हैं योगी जी जीतने में। चलो मैं कल को आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगा, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगा, मेरे बात पे विश्वास करोगे? तो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं योगी जी के दावे जो है वो किस तरीके से। मुख्तार अब्बास नकवी की बात ये है, जब पहलू खान पर उधर राजस्थान में कहां से वो गाय को जानवर लेकर आ रहे थे, उन पर हमला किया, पूरी मीडिया दिखा रही थी, और वो साहब पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो उनके तो इतनी औकात है। एक रिमोट होता है ना, खिलौना होता है, खिलौने हैं उनसे बेचारों से, उनको तो मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उनके लिए, उनसे तो अच्छा है कि मोहल्ले का पार्षद होता है। सहारनपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की अभी जनसभा यहाँ से समाप्त हुई है, कुछ लोग जनसभा के बाद मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मंच से आज बहुत बड़े ऐलान भी किए, और जब से उत्तर पश्चिमी में लगातार बैरिस्टर साहब की रैलियां हो रही हैं तब समाजवादी पार्टी आरएलडी और बसपा में खलबली आखिरकार ओवैसी साहब के आने से क्यों मची हुई है? इसलिए मसले है ना, क्योंकि उनका पत्ता साफ होने वाला है, जो लोगों को धोखा दे रहे थे वो अब बंद हो जाएगा। वो जो धोखा दे रहे थे वो बंद हो जाएगा क्योंकि लगातार अखिलेश यादव तो अपने मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मुसलमान जो है उन्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला, मुसलमान जो है उन्हीं के साथ है। स्टेज पर क्यों नहीं आ रहे मुसलमान? अभी जो पिछले रैली जब यहाँ पर आए थे सहारनपुर में अखिलेश साहब और हमारे कई नेतागण थे, मैं नाम ले देता हूँ, मैंने खुद फोटो देखे है नाही दसन के, मुनव्वर साहब के लड़के की, उनके बाप जो थे मुनव्वर हसन साहब, हम भी इज्जत करते हैं उनके, इतने काबिल एहतराम है, आज उनका नाम मिट्टी में मिला दिया नाहिद ने, उनको शर्म नहीं आती कि स्टेज पर छोड़ करके वो कपड़ा बिछा करके खेतों में बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई भी कर ले, मैं ये नहीं कहता चलो अगर उनको नहीं भी पसंद है, लेकिन उनको अब इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उन्होंने, इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जैसे कि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम हिस्सेदारी को मजबूत करने की बात लगातार ओवैसी साहब कर रहे हैं, पर मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जब जब आ रही है तो सीधा आरोप लग रहा है कि देश को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स जो है असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। भाजपा के दिग्गज मुस्लिम नेता जो हैं उसमें कई नाम हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिन्ना पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बात ये है, जब पहलू खान पर उधर राजस्थान में कहाँ से वो गाय को जानवर लेकर आ रहे थे, उन पर हमला किया, पूरी मीडिया दिखा रही थी, और वो साहब पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो उनकी तो इतनी औकात है। एक रिमोट होता है ना, खिलौना होता है, वो खिलौने हैं उनसे बेचारों से, उनको तो मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उनके लिए, उनसे तो अच्छा है कि मोहल्ले का पार्षद होता है, वो कम से कम बोल तो सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ने लगातार ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या सबके विश्वास को कामयाब हुए हैं योगी जी जीतने में? चलो मैं कल को आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगा, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगा, मेरे बात पे विश्वास करोगे? तो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं योगी जी के दावे जो है वो किस तरीके से है। तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि अभी त्रिपुरा में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने होता है, मुसलमानों की दुकानों को, घरों को, मस्जिदों को जलाया जाता है, ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर के मंच से त्रिपुरा के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ट्विटर पर आकर के लिखते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, पर कांग्रेस में, सपा में, बसपा में जो मुस्लिम नेता हैं वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक लिखते हुए दिखाई देते हैं। मुसलमान नेता को मुस्लिम शब्द से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है जो खुल करके भी मुसलमान नहीं लिख पा रहा? यही तो बात का रोना है ना, अगर MIM जो बात बोल रही है वो इसी बात को तो बोल रही है ना कि आप मेजोरिटी को देख करके फैसला नहीं ले सकते, अगर हमने आपको लीडर चुना है और कल को हमारे साथ गलत हो रहा है तो आपका हक बनता है, दुनिया आपके खिलाफ हो या आपके साथ हो, आपको हक और सच के साथ में आवाज़ उठानी चाहिए। अब अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको ये लगता है कि यार मैंने अगर इसकी आवाज़ उठा दी तो इसके मेरे साथ जो मेजोरिटी में लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर ये लीडरशिप नहीं होती। तो वो तो मुस्लिम नेता तो यही दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम जनता के दम पर ही वो बड़े बड़े पद पा लेते हैं पर मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा। यही तो है ना कि वो पद पा लेते हैं ना, वो लीडर नहीं बन पा रहे हैं, वो डीलर हैं। तो आप देख सकते हैं सपा बसपा के मुस्लिम नेताओं को डीलर, जनता
देख रही है उसी तौर पर। मैं देख आपसे भी पूछना चाहूंगा, ओवैसी साहब अभी मंच पर आए, मंच पर उन्होंने बड़ी तकरीरें की, मुसलमानों को इत्तेहाद करने की बात लगातार कर रहे हैं, पर ओवैसी साहब का इन मंचों से ये कहना है कि मुस्लिम जो जनता है वो सुनने के लिए तो आ जाती है पर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। दो बात और कहना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले बात, दो तीन बातें ओवैसी साहब के बारे में कही जा रही है। नंबर एक तो ये है कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं अपनी, वो कोई एंटी हिंदू नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो प्रशासन के खिलाफ होती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर ये बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब के आने से वोटर का बंटवारा हो रहा है, तो ये बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो ये होता है कि अगर चार वोट उधर चले गए, चार वोट उधर चले गए, चार वोट उधर चले गए, जो होता आ रहा है अब, ये बंटवारा होता है। अब कहीं चार कैंडिडेट खड़े हैं, उसी में एक ओवैसी साहब का कैंडिडेट भी है, तो मुसलमानों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप MIM को वोट दो। अगर आप चारों तरफ भागोगे तो अक्सर यही होता है ना कि अब मुस्लिम बहुल इलाके में क्या होता है, बीजेपी अपना एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा करती है और 10 मुसलमान आ जाते हैं वहाँ पे। अब अगर वहाँ पर 70 मुसलमान हैं तो वो साथ साथ बट जाएंगे और बीजेपी के जो चार कैंडिडेट हैं वो वोट ले जाते हैं अक्सर, इसीलिए बीजेपी कामयाब हो रही है। तो मुसलमानों को एक तो ये समझना चाहिए कि अगर कहीं भी MIM का अगर कैंडिडेट है तो आप फर्स्ट उसको वोट दो, नहीं है तो फिर चलो आपके सामने जो भी है। दूसरी बात यह है कि आप बोलते हैं कि वोट कटना, वोट नहीं कट रहा। अगर आपके सामने कैंडिडेट है MIM का, बोले हारे या जीते, हारने भी एक ताकत होती है। अगर आप 5 लाख वोट ले रहे हो और हार भी जाते हो तो भी आपके एक पावर बनेगी, आपके वैल्यू बनेगी। तो आप ये मत सोच के वोट अपना खराब करना कि अगर मैंने वोट दे दी जीतेगा तो नहीं, भले ही हार जाए आप वोट दो, आप उसके एक आवाज़ बनेगी कि हाँ 5 लाख वोट या 6 लाख वोट या 4 लाख वोट इस बंदे को मिले हैं। दूसरी बात फिर यह है कि अगर हमारा कोई कैंडिडेट जीत कर जाता है MIM का, तो वहाँ पर समर्थन से अगर किसी की सरकार बनती है, अब आप किसी को भी वोट दे देते हो, अखिलेश को या मायावती जी को या किसी को भी आपने वोट दे दिया, अब वोट देने के बाद में 5 साल तक के लिए बॉन्ड हो गए, अब अगला आपकी आवाज़ उठा रहा है नहीं उठा रहा है, 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते सिर्फ रोने पीटने के अलावा। लेकिन अगर आप MIM के कैंडिडेट को जिता करके उसके समर्थन से किसी की भी सरकार बना दो, भले ही बीजेपी की ही क्यों ना बना दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर कल को तुम्हारे खिलाफ कोई गलत हो रही है तो आप एक पार्टी के रूप में आवाज़ उठा सकते हो, आपके सामने ऑप्शन है धमकी देने का कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो कल को मैं अपनी जो है हम तुम्हारी पार्टी के साथ में अपना गठबंधन जो है तोड़ देंगे। रही बात बीजेपी के साथ में, कांग्रेस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो बीजेपी की तो एक खुली नीति है कि हम एंटी मुस्लिम है, उनका तो एक खुला चिट है, लेकिन नुकसान किससे होता है ज़्यादा, जो पीठ के पीछे से छुरा जो घूमता है, एक दुश्मन सामने से हमला कर रहा है हमारे ऊपर, हम अपना बचाव कर सकते हैं, तो हमें इतना खतरा बीजेपी से नहीं है जितना खतरा हमारे को पीठ से हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट बीजेपी के साथ मुकाबला करेंगे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बीच के कुकर मुत्ते से बीच में आ जाते हैं ये नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। मैं इसी के साथ साथ आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बातें आपने बोल दी हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों से देखा जाए जब से भाजपा आई है, पहले जब भी चुनाव आते थे तो दरगाहों पर जाने का सिलसिला, मौलानाओं से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता था तमाम राजनीतिक पार्टियों का, अब वो दायरा कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। क्या अब दरगाहों पर राजनेता पहुंचेंगे सेकुलर पार्टियों के, या किसी मौलाना से मिलेंगे तो क्या वोट बैंक उनसे खिसक जाएगा? पता ये कुछ सेकुलर नहीं है, अब राजनीतिक पार्टियों ने सेकुलर क्या बना लिया, रमजान में इफ्तारी दे दो, टोपी ओढ़ के चले जाओ। अब एक हिंदू है, अगर वो बेचारा मेरे पास आया, मेरे साथ दोस्ती है, प्यार है, तो ये सेकुलर नहीं है कि मैं जबरदस्ती उसको टोपी उड़ा दूं, या वो मैं मेरे उसके पास जाऊं मिलने के लिए, वो मेरे को तिलक लगाए, ये किस चीज़ सेकुलर का मतलब है? जियो और जीने दो, कि जितने भी देश के अंदर धर्म हैं सभी एक दूसरे का सम्मान करो, जियो, एक सुख दुख में एक दूसरे का साथ दो, प्रशासनिक सेवाओं में कोई भेदभाव ना हो, ये थोड़ा सेकुलर है जो इन्होंने बना दिया कि दरगाह पे चले गए, टोपी ओढ़ ली, रमजान की इफ्तारी कर दी, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ तो नुकसान दे रही है मुसलमानों को, ये चीज़ ही समझने की ज़रूरत है कि हमको ये इफ्तारी की पार्टी से क्या हो रहा है, या कोई मुलायम सिंह आकर के मस्जिद में माथा टेक रहे हैं, हमको पता कि उसका ईमान कहाँ है, या टोपी ओढ़ने से थोड़ा मुसलमान हो गया, हमारे को नौकरी दे भाई, हमारे को स्कॉलरशिप दे सर, आज जो मतलब के आम बुनियादी जो जरूरतें हैं वो हमारे को दो,